आज हम बनाने वाले हैं कोचई की सब्जी। इसके लिए हमने बाड़ी से कोचई ले आई है। अब हम इसे साफ़ कर लेंगे, पानी में अच्छे से धो लेंगे और इसे उबालने के लिए चढ़ा देंगे। हम इसे चूल्हे पे उबाल रहे हैं, आप इसे गैस पे भी उबाल सकते हैं। हम आज इसे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से बनाकर आपको दिखाएंगे। ये हमारा कोचई उबल गया है, अब हम इसे छील लेंगे। इसे छीलने के बाद हम अपने हिसाब से काट लेंगे, अगर टुकड़ों में काटना हो तो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने छील कर तैयार कर लिया है, अब इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइज़ में। आप अपने हिसाब से करिएगा, आपको जैसा पसंद है। अब इसके बाद हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और फिर हम कोचई को भूनेंगे। इसमें जीरा का छौंक डालेंगे और इसे भूनेंगे। अब ये भुना गया है, इसमें हम थोड़ा नमक और हल्दी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे इसमें हम, क्योंकि ग्रेवी में भी डालेगा इसलिए। इसे इसी तरह आप भी भून लेना। अब यह तैयार है, अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम सरसों लेंगे, एक कटी हुई प्याज, सूखी लाल मिर्च, मीठा नीम पत्ती और मसालों में जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, मेथी पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। मेथी पाउडर थोड़ा सा ही डालें अगर आपको पसंद हो तो। एक टमाटर ले ली हमने कटी हुई, 3-4 कली लहसुन का पेस्ट और धनिया पत्ती का पेस्ट। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें सरसों, खड़ी लाल मिर्च और मीठा नीम पत्ती का फ़ोरन डालेंगे। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, कटी हुई प्याज जो हमने काट के रखी थी, टमाटर, धनिया पत्ती का पेस्ट। अब इसे भूनेंगे थोड़ी देर। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मेथी पाउडर, नमक। आप सभी को अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करें। अब हम इसमें मठा डालेंगे, मतलब मही, जिसको हम मही बोलते हैं, जिसमें दही से जो हम मक्खन निकाल लिए रहते हैं वह, इसे शायद
अलग अलग जगह अलग नामों से पुकारा जाता है, कहीं इसे छाछ भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में इसे मही कहते हैं। आप इसकी जगह दही भी यूज़ कर सकते हैं, पर मही में ज़्यादा अच्छा बनता है या मठा में ज़्यादा अच्छा बनता है। अब इसे उबाल आते तक के हम अच्छी तरह उबालेंगे। अब हमारा ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसे भूंजी हुई जो अरवी थी या कोचई थी उसमें डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे। इसे अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से पुकारा जाता है कमेंट करके बताइएगा। आप जितना इसमें रस रखना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। अब इसमें हमने धनिया पत्ती ऊपर से छिड़क लिया है। अब हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। यह सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप भी बनाइएगा। और हमारी रेसिपी कैसे लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट।